कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। स्वार्थी जीव स्वार्थ का अवसर देखता है, परार्थी जीव परार्थ का। कौन ज्यादा जीता है, स्वार्थी या परार्थी? स्वार्थी तामस भाव में प्रवृत्त रहने वाला कहा जाता है और परार्थी परोपकारी और सात्विक भाव में प्रवृत्त रहने वाला कहा जाता है। हम किस में हैं? मात्र स्वार्थ माया के तामस भाव में या परार्थ वृत्ति के सात्विक भाव में? इसका निष्कर्ष इस बात से तय होगा कि हम कौन सा अवसर देख रहे हैं, स्वार्थ सेवन का या परार्थ सेवन का। जीवन इसी तरह भी पूर्ण हो सकता है और उस तरह भी। परार्थ परोपकार का अवसर देखने वाले और संभवतः अन्यों का भला करने वाले कोई जल्दी नहीं मरने वाले, वैसे स्वार्थ साधु भी कोई विशाल जीवन नहीं जीने वाले। आयुष्य तो दोनों को होता है, वही जी सकेंगे। शायद संभव है कि स्वार्थ की माया ही जिसके भीतर भरी पड़ी है उसे कभी वह आक्रामक स्वार्थ भंग दिख जाए और शायद हृदयघात का उपक्रम होकर आयुष्य का जल्दी समापन होना संभव हो सकता है। परार्थी जीव को यह संभव नहीं है। स्वार्थ टूटा तो टूटा, उसका ज्यादा दुख नहीं, और शायद परार्थ गंवाने का अवसर हुआ तो उसका दुख मृत्यु नहीं देगा। बात यह है, जीवन में किस अवसर की प्रतीक्षा करनी है और कौन सी प्रवृत्ति करने की इच्छा रहती है, स्वार्थ की या परार्थ की। क्या तिर्यंच के जीवन में परार्थ का अवसर खोजना या प्रवृत्ति करना प्राप्त होता है? मजदूरी तो अत्यंत होती है, श्वान रात्रि भर चौकी करता है, किंतु वृत्ति कौन सी? मालिक कुछ न कुछ भोजन देता रहे, यही ना। परार्थ की वृत्ति का अर्थ है कि सामने वाले से कोई लाभ ग्रहण करने की अपेक्षा ना हो, स्वयं को सामने वाले का कुछ भला करने का लाभ चाहिए, सामने वाले की सेवा का लाभ चाहिए। यही परार्थ वृत्ति हृदय को महान बनाती है। परार्थ वृत्ति के महान हृदय में पाप अल्प होते हैं, उसे स्वार्थ की कमी का विशेष दुख नहीं होता, बल्कि स्वार्थ त्याग की तैयारी होने पर वह प्रफुल्लित रह सकता है। केला कोई तारा गुणों ना सरवाला, युगो सुदी जड़हड़ से भुवन भानु नायचवाड़ा।